आखिर कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है सनी और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी। इस सृष्टि में पैदा होने के बाद कई सालों तक इन दोनों में युद्ध होता रहा। दोनों आपस में एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली मानते रहे। तभी आकाश में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढेगा उसको ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। वह पत्थर कोई और नहीं बल्कि शिवलिंग था। उस शिवलिंग का अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए तथा विष्णु जी नीचे की ओर चले गए। हजारों सालों तक दोनों उस पत्थर का अंत ढूंढते रहे लेकिन किसी को भी उस पत्थर का अंत नहीं मिला। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप ही शक्तिशाली हैं, इस पत्थर का कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भी उस पत्थर का अंत नहीं मिला लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर वो भी कहेंगे कि मुझे भी पत्थर का अंत नहीं मिला तो विष्णु जी को ज्यादा ज्ञानी समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हें इस पत्थर का अंत मिल गया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ, मेरा ना तो कोई अंत है और ना ही मेरी कोई शुरुआत है। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट होते हैं और सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिलता है। तो वहीं झूठ बोलने के लिए ब्रह्मा जी को श्राप दिया जाता है कि कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने बाद में अपने आप को श्राप से मुक्त करा लिया। भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है तो वहीं विष्णु जी को सृष्टि का रक्षक कहते हैं। तो दोस्तों भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की लड़ाई खत्म करने के लिए शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।